हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन एजुकेशन चैनल डेट इज़ टॉपर स्टॉप। देखिए, आज हम अपनी इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं, जो कि करंट अफेयर हमारा साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। उसे साइंस एंड टेक का पोर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि उसमें ज़्यादा सिलेबस है, इस वजह से हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये आपका पार्ट वन है। इससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक और वीडियो आई है, जिसमें हमने एक मंथ का करंट अफेयर डिस्कस किया था, तो आप उस वीडियो को भी देखिए। तो टोटल इसके तीन पार्ट हो जाते हैं, पर हम इसे पार्ट वन ही नाम देंगे। तो जो पार्ट वन है, उसमें हम पहले देख लेते हैं कि जो स्टार्टिंग के फोर मंथ्स थे हमारे, उसमें जो भी करंट अफेयर आया है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसको एक कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। इफ़ दे टेल यू 99% फेल, डोंट लूज योर फेथ, बिलीव यू आर इन डैट 1%। तो अगर आपको लोग कहते हैं कि 99% बच्चे इसमें फेल हो रहे हैं, तो आप उन पर मत बिलीव कीजिए। आप ये मानिए कि आप उन 1% में से हैं जो कि सक्सीड होते हैं, और वो आप बिलीव कैसे बना के रखेंगे, विद हार्डवर्क एंड विद रेस्टनेस। तो आगे देखिए कि हम, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और अगर कोई सजेशन है, डाउट है, या फिर हमारे लिए कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। फर्स्ट न्यूज से स्टार्ट करते हैं, डेट इज सुपर कंडक्टिविटी। देखिए, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स रहे होंगे तो आपने 11, 12 तक अपने अच्छे से सुपर कंडक्टिविटी को पढ़ा होगा, और जो दूसरे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी 10th क्लास तक सुपर कंडक्टिविटी पढ़ी होगी। देखिए, कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? अगर हम किसी चीज़ का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गए, चार्जेस हो गए, उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, डेट इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का क्या मतलब है कि जब वो कंडक्शन रेट जो है, वो ट्रांसफ़र रेट जो है, वो बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, एक्सक्यूज़ मी, तो हम उसे सुपर कंडक्टिविटी कहेंगे। तो देखिए, अब तक क्या होता था कि अगर हमें सुपर कंडक्टिविटी चाहिए तो हमेशा एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टिविटी अचीव होती थी, जिसकी जो रेंज थी वो बिलो 0-100 डिग्री सेल्सियस पे होती थी। बट सुपर कंडक्टिविटी को जो ISS रिसर्चर्स हैं, उन्होंने रूम टेम्परेचर पर भी रिपोर्ट किया है अपनी इन्वेंशंस के थ्रू, इस वजह से सुपर कंडक्टिविटी जो है न्यूज़ में है। आगे देखते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है। इट इज़ अ स्टेट इन विच अ मटेरियल शोज एब्सोल्युटली जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना। तो जब हमारा जो इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है, मतलब वो कहीं भी रुक नहीं रहा है, अपनी पूरी स्पीड से फ्लो कर रहा है, डेट इज़ को सुपर कंडक्टिविटी। वाइल द रेजिस्टेंस क्या होता है? इज़ अ प्रॉपर्टी डेट रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सुपर कंडक्टिविटी अलाउस अनहिंडर्ड फ्लो। तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए, जो सुपर कंडक्टर्स मटेरियल होते हैं, उनके पास दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें एक फर्स्ट है ज़ीरो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, जो अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी रोक नहीं है बीच में, नॉर्मली इलेक्ट्रिकल करंट आराम से फ्लो हो सकता है। एंड सेकेंड है डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म जो है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो बुक्स में कंटेंट मेंशन है, हम उसे रीड करेंगे। डायमैग्नेटिज्म इज़ अ प्रॉपर्टी अपोजिट टू नॉर्मल मैग्नेटिज्म डेट वी आर यूज टू। देखिए, अपने मैग्नेट्स क्या होते हैं? चुंबक होते हैं। तो चुंबक जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो आयरन के सब्सटेंसेस होते हैं या फिर दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, हम इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। वहीं पे जो डायमैग्नेटिज्म होती है, वो मैग्नेटिज्म के जस्ट अपोजिट होती है। जहाँ पे मैग्नेटिज्म एक दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा है, वहीं पे डायमैग्नेटिज्म जो है वो उसे अपोज कर रहा है, रिपेल कर रहा है अपनी नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो आपको डायमैग्नेटिज्म का भी फिनोमिनन याद रखना है, ये आपसे फिजिक्स रिलेटेड साइंस एंड टेक पोर्शन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज इज स्पेस एक्टिविटीज बिल 2007। देखिए, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने स्पेस को कमर्शियल यूज़ के लिए अलाउ कर दिया है। मतलब कि देखिए, आप देखेंगे कि जैसे इसरो है, नासा है, ये सारी क्या है? गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि स्पेस में जाके रिसर्च कर सकती है, या फिर कोई भी उनको प्रोग्राम करना है अपना स्पेस में, तो वो गवर्नमेंट के अंडर होता है। बट अभी गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि स्पेस को कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो भी अब स्पेस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। तो इस बिल के हम फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले फीचर में हम देखते हैं, बिल एंकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज। सेकंड पॉइंट इज द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑल सेक्टर्स एंगेज इन एनी स्पेस एक्टिविटी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया।
तो जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई है। मान लीजिए कि कल को आप जो हैं अगर स्पेस में जाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं है कि सीधा आप स्पेस में चले गए, विथ सम एलिजिबिलिटी आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि हाँ आप स्पेस में जा सकते हैं अगर किसी का ऐसा वहाँ पे इंटरेस्ट है तो। और वो कोई भी स्पेस एक्टिविटी चाहे इंडिया में हो रही हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो रही हो उसमें पार्टिसिपेट कोई भी सिटीजन कर सकता है। अ नॉन ट्रांसफरेबल लाइसेंस शैल बी प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे जो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा उस सिटीजन को वो नॉन ट्रांसफरेबल होगा, मतलब कि मैं अपना लाइसेंस किसी और को नहीं दे सकती हूँ। नेक्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट द अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर लाइसेंसिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फीस फॉर लाइसेंस। तो एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसमें लाइसेंस दिया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाएगा और जो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए फीस भी चार्ज होगी। गवर्नमेंट विल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ ऑल स्पेस ऑब्जेक्ट्स, और जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं कमर्शियल पर्पज से गवर्नमेंट उसका एक रजिस्टर या डाटा मेंटेन करेगी। इट विल शेयर डिटेल्स अबाउट द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएटेड बाई स्पेस एक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी, और जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं स्पेस एक्टिविटी के लिए टेक्नोलॉजी के अंदर किसी भी पर्सन के लिए तो उसके जो प्राइसिंग है वो गवर्नमेंट के साथ उसे शेयर करनी पड़ेगी। अगर कोई भी पर्सन इस चीज़ को रेगुलेट नहीं मतलब बात नहीं मानता है, कोई भी जो लॉ है वो वायलेट करता है तो उसको सजा हो सकती है 3 साल की और फाइन हो सकता है 1 करोड़ का या फिर दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज नासाज इनसाइड स्पेसक्राफ्ट, तो जो नासा का इनसाइड मिशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनसाइड इज पार्ट ऑफ नासा डिस्कवरी प्रोग्राम, तो जो नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम है उसका ये पार्ट है जिसमें कि इट विल बी द फर्स्ट मिशन टू पीयर डीप बीनीथ द मैरिटाइम सरफेस। देखिए अब तक जितनी भी रिसर्चेज होती थी वो मार्स के अपर सरफेस पे होती थी, बट ये जो इनसाइड मिशन है, देखिए इनसाइड का क्या मतलब होता है कि अंदर तक जाके किसी चीज को देखना समझना, तो यहाँ पे किसको समझना है हमें, मार्स को समझना है। तो अभी सरफेस की रिसर्च खत्म करके जो डीप बीनीथ सरफेस है मार्स का उसमें रिसर्च स्टार्ट हो गई है, और जो इनसाइट मिशन है वो फर्स्ट मिशन है ऐसा जिसमें कि मार्स के अंडर डीपली जाके रिसर्च की जाएगी। स्टडिंग द प्लैनेट्स इंटीरियर बाय मेजरिंग इट्स हीट आउटपुट एंड लिसनिंग फॉर मार्स क्वेक्स, तो ये कैसे होगा, पहले तो जो हीट रिलीज होती है मार्स के इंटीरियर से उसको मेजर किया जाएगा प्लस मार्स क्वेक्स। देखिए मार्स क्वेक्स क्या होता है, क्वेक्स क्या होती है, मूवमेंट होती है, तो मार्स के इंटरनल सरफेस पे कैसे मूवमेंट्स हो रही है उनको सुन के भी ये मेज़र करा जाएगा कि मार्स का प्रॉपर सरफेस है कैसा। जितने भी सिस्मिक इवेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो जो इट विल यूज़ द सिस्मिक वेव्स। तो आपको ये याद रखना है कि जो इनसाइट मिशन है उसमें कौन सी वेव्स यूज़ होंगी, तो यहाँ पे सिस्मिक वेव्स यूज़ होंगी जो कि मार्स क्वेक से जनरेट होंगी। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रल आरजी, तो ये क्या है, रशियन प्रोजेक्ट है जर्मनी के साथ स्पेस का। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे ये मिशन की फोटोग्राफ दे रखी है, देखिए ये जो टेलीस्कोप है स्पेक्ट्रल जी इसमें है क्या, इट विल क्रिएट अ 3D एक्सरे मैप ऑफ द यूनिवर्स एंड अनवील्स अननोन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स डार्क एनर्जी एंड स्टार्स। तो ये क्या करता है कि जो यूनिवर्स है, पहली बात तो आपको ये रखना याद है कि ये है क्या, तो ये टेलीस्कोप है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये कौन सी रेडिएशंस को यूज़ कर रहा है, तो ये एक्सरे रेडिएशंस को यूज़ करके एक 3D मैप बनाएगा यूनिवर्स का, और जितने भी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है, डार्क एनर्जी है, स्टार्स है, उन सब का। ये जो है 4-year मिशन है, विल सर्वे द एंटायर स्काई 8 times, 4 साल में मतलब कि साल में 2 बार जो ये है एंटायर स्काई को सर्वे करेगा और जितनी भी नॉलेज गैदर कर सकता है वो सारी गैदर करेगा। इट ऑल्सो एम्स टू डिटेक्ट अप टू 3 million सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, और ये जो है एटलीस्ट 3 million सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने का इसका एम है। और ये किसको यूज़ कर रहा है, ये हाई एनर्जी हार्ड एक्सरेज को यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है जो इसका लास्ट पॉइंट है, द SRG विल हाउएवर नोट डिटेक्ट गामा रेडिएशन, तो ये सिर्फ एक्सरेज पे फोकस होगा, ये गामा रेडिएशन के लिए वर्क नहीं करेगा।
नेक्स्ट इज स्पिट्जर टेलीस्कोप. देखिए स्पिट्जर टेलीस्कोप जो है वो नासा का था, बट जो है अब उसका फंक्शनिंग ख़त्म हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा ऑन 30 जनवरी 2020. तो देखिए आपको ना ये पॉइंट स्पिट्जर टेलीस्कोप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जस्ट अभी रिटायर हो रहा है 2020 में. तो जो 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर है, मतलब कि जो इवेंट्स होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं एंड होने वाले हैं 2020 में, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं. तो देखिए स्पिट्जर के बारे में हम देखते हैं कि स्पिट्जर में है क्या. ये 2003 में लॉन्च हुआ था टू स्टडी द यूनिवर्स इन द इंफ्रारेड. देखिए अभी हमने पहले जो टेलीस्कोप डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि उसमें एक्सरेज यूज़ हुई थी, वहीं पे जो स्पिट्जर है उसमें इंफ्रारेड वेव्स यूज़ होंगी यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए. और ये कब लॉन्च हुआ था, 2003 में. इट इज़ द लास्ट मिशन ऑफ द नासा ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम. देखिए नासा के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं, पर उनमें से जो नासा ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम था उसमें स्पिट्जर टेलीस्कोप जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था. द गोल ऑफ द ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज इज टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन डिस्टिंक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो देखिए जो ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज है, एक ग्रेट ऑब्जर्व करना क्या होता है, देखना किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो यूनिवर्स है उसको अलग अलग जो लाइट्स की वेवलेंथ होती है उनमें यूनिवर्स को डिटेक्ट करना है, जज करना है, ऑब्जर्व करना है. तो स्पिट्जर जो है उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि ये इंफ्रारेड वेवलेंथ को यूज़ करता है, विच नॉर्मली रिप्रेजेंट द रेडिएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट की रेडिएशंस निकलती है उसमें जो इंफ्रारेड बैंड होता है ये उसे यूज़ करता है. इसमें जो अदर ये जो प्रोग्राम था इसके अंदर जो है और टेलीस्कोप्स भी बनाए गए थे जो कि ऑपरेशनल हैं या फिर कुछ रिटायर हो चुके हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स को यूज़ कर रहे हैं. तो जो टेलीस्कोप जो है वो विजिबल लाइट को यूज़ कर रहा है उसका नाम है हैबल, जो कि स्टिल ऑपरेशनल है. देन आता है जो गामा रेज को यूज़ करता है, डेट इज़ कॉम्पटोन गामा रेज ऑब्जर्वेटरी, बट ये नो लॉन्गर ऑपरेशनल, ये ऑपरेशनल अब नहीं है. देन एक्सरेज के लिए आता है चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, जो कि स्टिल ऑपरेशनल है. तो आपको याद रखना है कि कौन से ऑपरेशनल हैं और अब जो कौन से ऑपरेशनल नहीं हैं. तो दिस इज द टेलीस्कोप, आप इसको दे सकते हैं. नेक्स्ट इज ओसिरिस रेक्स द मिशन. देखिए ओसिरिस रेक्स मिशन क्या है, ये जो है एक एस्ट्रॉइड है बैनू, तो उस पे जाके उसके सैंपल्स को कलेक्ट करके ये बताएगा कि जो अर्थ था उसकी सिचुएशन कैसे थी पहले, क्योंकि बेनू जो एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसकी बहुत सारी सिमिलरिटी अर्थ के साथ देखी गई है. तो ये किसके लिए लॉन्च हो रहा है, एस्ट्रॉइड के लिए हुआ है, और किसके थ्रू लॉन्च हुआ है, नासा के थ्रू हुआ है. तो अबाउट द मिशन हम देखते हैं कि ओसिरिस रेक्स में है क्या. तो पहली बात तो देखते हैं कि ओसिरिस रेक्स जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, डेट इज़ ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर, ये इसकी फुल फॉर्म है. देखिए ऐसा चाप से फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा, बट किस इस एस्ट्रॉइड को बैनू को क्यों चूज़ किया गया है ये फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ओसिरिस रेक्स जो है वो थर्ड मिशन है नासा का न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का. तो आपको ये याद रखना है जैसे वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम था, तो यहाँ पे ये देखना है कि नासा के थर्ड मिशन के अंदर न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम में ओसिरिस रेक्स को यूज़ किया गया था, जिसमें कि इसे पहले न्यू होरिजन स्पेस क्राफ्ट जूमिंग बाय प्लूटो वहाँ भेजा गया था, और जूनो स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट अराउंड जुपिटर. तो यहाँ पे जूनो को कहाँ भेजा गया था, जुपिटर के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए भेजा गया था, बट अब यहाँ पे ओसिरिस रेक्स जो है उसको किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, बैनू के लिए चूज़ किया जा रहा है. देखिए बैनू जो है वो एस्ट्रॉयड है वो हमें पता चल गया, तो हमने ये अब ये पता लगाना है कि इसको चूज़ क्यों किया गया. तो सबसे पहले क्या है, प्रोक्सिमिटी टू अर्थ. तो ये नासा जो है उसको एक ऐसा एस्ट्रॉयड चाहिए था कि जिसका जो ऑर्बिट है वो अर्थ के ऑर्बिट के सिमिलर हो और अर्थ के पास हो. तो फर्स्ट फैक्टर ये था. सेकेंड इज साइज. देखिए ये जो एस्ट्रॉयड है ये स्मॉल साइज का. देखिए स्मॉल एस्ट्रॉयड्स दोज लेस देन 200 मीटर इन डायमीटर टिपिकली स्पिन मच फास्टर देन लार्जर एस्ट्रॉयड, मीनिंग द रेगुलिथ मटेरियल कैन बी इजेक्टेड इनटू स्पेस. देखिए आप सिंपल सी चीज़ देखिए कि एक तो है आप किसी मिट्टी के ऊपर धीरे चल रहे हैं,
तो जो मिट्टी है वो नहीं उड़ेगी। पर अगर आप पैर मारते हुए तेज़ तेज़ उस मिट्टी पे भागने लगते हैं या रेत पे भागने लगते हैं तो जो वो मिट्टी होगी या जो रेत होगा वो थोड़ा सा ऊपर उछलेगा। वही सेम यहाँ पे एस्टेरॉयड में होता है। जो स्मॉल एस्टेरॉयड्स होते हैं जिनका डायमीटर 200 मीटर से कम होता है वो बहुत जल्दी स्पिन करते हैं, मतलब रिवॉल्व करते हैं फास्टर रेट पे। तो उसमें क्या होता है कि जो रेगोलिथ होता है मतलब एस्ट्रॉइड के ऊपर सरफेस पे जो मटेरियल होता है वो स्पेस में इजेक्ट होना शुरू करता है, बिखरना शुरू कर देता है। तो ये जो है ये गलत है। अगर सारा मटेरियल रेगोलिथ ऐसे स्पेस में जाएगा तो वो एक तो स्पेस डेब्रिस फॉर्म करेगा और दूसरा जो स्टडी हमको करनी है हम वो नहीं कर पाएंगे। तो जो बेनू है उसका डायमीटर 500 मीटर का है तो वो धीरे रोटेट करता है जिसकी वजह से जो रेगोलिथ है वो उसके सरफेस पर रहता है और हम उसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन। बेनू इज अ प्रिमिटिव एस्ट्रॉयड मीनिंग इट हैजन सिग्निफिकेंटली चेंज सिंस द बिगनिंग ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये प्रिमिटिव एस्ट्रॉयड है तो इसका मतलब ये है कि जब सोलर सिस्टम की बिगनिंग हुई थी तब से अब तक उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। प्लस वो एक कार्बन रिच एस्ट्रॉयड है, इसका मतलब कि उसमें ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स भी मिल सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि जो अर्थ थी उसके ऊपर लाइफ बना था उससे पहले क्या प्रिकर्सर इवेंट्स अर्थ पे भी रहे होंगे जैसे कि एस्ट्रॉइड बेनू पे मिले हैं। ये देखिए ये बेनू है और ये कैसे इस पे कर रहा है, प्रोबिंग कर रहा है ये। नेक्स्ट इज इसरोज परमानेंट स्पेस स्टेशन। देखिए नासा का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था जो कि एक ऐसा फंक्शनल स्पेस स्टेशन है अभी तक, वो 2025 में रिटायर हो जाएगा। और अगर 2025 में ना भी कहें तो 2028 तक ये आराम से रिटायर हो जाएगा। और कोई भी अभी तक ऐसी नहीं न्यूज़ आई है कि उसके रिप्लेसमेंट के लिए नासा कुछ और लाने वाला है। तो इंडियन स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है उसके लिए। अस स्पेस स्टेशन जैसे होता क्या है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट प्लेस्ड इन ऑर्बिट इज यूज एज अ लॉन्ग टर्म बेस फॉर मैन्ड ऑपरेशन इन स्पेस। देखिए क्या होता है कि अगर हमें कोई जगह ज़्यादा पसंद होती है, मान लीजिए आपको कोई हिल स्टेशन बहुत ज़्यादा पसंद है और आप बहुत फ्रिक्वेंटली वहाँ पे विजिट करते हैं, तो अगर आप कैपेबल होते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं वहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन लेके अपना एक छोटा सा घर बना लूँ ताकि मुझे कहीं और जाके स्टे ना करना पड़े, मैं अपने ही घर में जाके स्टे कर सकूँ। वैसे ही इंडिया जो है वो एक स्पेस स्टेशन बनाने वाला है जो कि मेनली क्या होती है, एक सैटेलाइट होती है जिसको एक ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है और स्पेस में कोई भी जो मैन ऑपरेशन होंगे तो वहाँ पे वो उसका बेस बन के रहेगा, मतलब वहाँ जाके वो मैन ऑपरेशंस जो है वो हो सकते हैं। द इंडियन स्पेस स्टेशन वुड बी स्टेशन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये जो स्पेस स्टेशन है ये बनाया जाएगा। देखिए ये स्पेस स्टेशन अभी तक बना नहीं है बट ऐसा कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जब वो स्पेस स्टेशन बनेगा तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये उसकी इमेज है। देखिए कि जो स्पेस स्टेशन है वो कितना ओल्ड है, तो सबसे पहले 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है फैक्ट्स में, तो आपको ये याद रखना है कि डायरेक्टली इंडियन स्पेस स्टेशन के बारे में ना पूछ के बस ये पूछा जा सके कि स्पेस स्टेशन जो है वो कैसे यूज़ हुआ है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट न्यूज इज ल्यूनर इवैक्यूएशन सिस्टम। अमंग प्रिपरेशन फॉर नासाज 2024 मून मिशन वन हैज़ बीन टू टेस्ट अ डिवाइस को ल्यूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली और लेसा। देखिए जो जैसे कि हमारा जो गगनयान है वो 2022 तक जाने वाला है इंडिया का, पर 2024 के लिए जो नासा है उसने भी अपना मून मिशन तैयार कर लिया है। उसमें ही एक उन्होंने टेस्ट किया है डिवाइस को जिसका नाम है ल्यूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली और लेसा। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें है क्या। देखिए इसको डेवलप किसने किया, इट इज़ डेवलप बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। लेसा इज अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर हुज पर्पस इज टू रेस्क्यू एन एस्ट्रोनॉट शुड ही और शी सफर एन इंजरी ऑन द लूनर सर्फेस। देखिए अगर मून के सरफेस पे जाके अगर कोई एस्ट्रोनॉट है उसको कोई इंजरी होती है तो उस टाइम जो ये ल्यूनर लेसा जो होगा ल्यूनर इवैक्यूएशन सिस्टम तो ये क्या करेगा, उसको वहां से एस्केप कराएगा एस्ट्रोनॉट को ताकि आगे जो है उसको और नुकसान ना हो सके और एक इजीली एक सरफेस पे ले जाके उसको एक रिलीविंग कंडीशन प्रोवाइड करेगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है
लियासा है और ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट है मून में, जो फर्स्ट 21st सेंचुरी में हुआ था, एटमिस 1 जो था। फिर एटमिस 2 बनाया गया जो 21st सेंचुरी में फर्स्ट ह्यूमन वहीं पे गया, और ये एटमिस 3 बन रहा है यहाँ पे, जो कि लूनर सरफेस पे अब जाएगा और क्रूड मिशंस के साथ, मतलब कि अभी तक जैसे कम क्रू जाता था तो अब जो है हाईली क्रू वहाँ पर जा सकता है। नेक्स्ट इज मिथेन ऑन मार्स। देखिए जो मार्स का सरफेस है उसके ऊपर जो साइंटिस्ट है नासा की, ये क्यूरियसिटी है कि क्या वो हाई अमाउंट ऑफ मिथेन जो है मार्स के एयर में वो ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं। क्योंकि अगर मार्स के ऊपर मिथेन मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आगे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे अर्थ के ऊपर स्टार्ट हुआ था, देखिए अर्थ के ऊपर भी क्या हुआ था कि जब मिथेन मिल गई थी तो उसके बाद ही लिविंग प्रोसेसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं उनसे ही जो मीथेन होती है वो मेनली रिलीज होती है। देख केमिकल प्रोसेस से भी होती है बट माइक्रोब्स जो होते हैं वो मीथेन को रिलीज करते हैं। तो मीथेन का मिलना मार्स की एयर पे ये डिनोट करता है कि वहाँ पे जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस आगे हो सकते हैं। देखिए मीथेन प्रोड्यूसिंग जो माइक्रोब्स होते हैं वो मेनली कहाँ मिलते हैं, दे लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स स्पेशली काउस। और जो मीथेन होता है वो एबायोटिक प्रोसेस से भी प्रोड्यूस होता है। एबायोटिक प्रोसेस क्या होता है, देखिए जहाँ पे बायो लाइफ मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है इन प्रोसेसेस में, उसे हम एबायोटिक प्रोसेस कहते हैं। तो आपको जो मेनली पूछा जा सकता है वो है ये पूछा जाएगा कि माइक्रोब्स जो हैं इसके मीथेन प्रोड्यूसिंग वो कहाँ पे मिल सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको याद रखना है और एबायोटिक प्रोसेस को भी याद रखना है। और दूसरा ये कहाँ पे मिलेंगे, फाउंड टू अकर इन फॉर्मेशन सच एज रॉक्स, स्प्रिंग्स, एक्वीफायर्स एंड स्टडीज हैव कंक्लूडेड दैट इट वाज फॉर्मड देयर बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम एट लो टेम्परेचर। तो जो रॉक हैं, स्प्रिंजेस हैं, एक्वीफायर्स हैं, वहाँ पे भी मीथेन का फॉर्मेशन हो सकता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच केमिकल रिएक्शन होके लो टेम्परेचर पर। अब जो मीथेन है वो रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड है, इस वजह से ही जो कोई भी रिसर्च होती है या जो जल्दी काम होता है वो जल्दी जल्दी नासा करना चाहता है। नेक्स्ट इज डीप स्पेस एटोमिक क्लॉक। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखिए ये जो है नासा ने भेजी है स्पेस में, और जो DCAC है दैट इज़ डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक इज एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल टू बेटर देन 1 माइक्रोसेकंड पर डेकेड। तो इसका जो है टाइम पीरियड क्या पूछा जाएगा आपसे, 1 सेकंड पर 10 मिलियन ईयर तक इसकी एक्यूरेसी है, और ये 50 times मोर एक्यूरेट है एटॉमिक क्लॉक से जो कि GPS सैटेलाइट यूज़ करती हैं अब्रॉड में। तो इसी वजह से इसको स्पेस में भेजा गया है। और ये क्या हेल्प करेगा, द टेक्नोलॉजी टारगेट एम्स एट हेल्पिंग स्पेस क्राफ्ट नेविगेट बाय देमसेल्फ रिलाइंग ऑन द न्यू एटॉमिक क्लॉक इन स्पेस। तो जो स्पेस क्राफ्ट नेविगेट करते हैं ये उनको हेल्प करेगा स्पेस में जाकर। नेक्स्ट इज एसेंट ग्रीन फ्यूल। देखिए ये जो एसेंट ग्रीन फ्यूल है वो एक सेफर रॉकेट फ्यूल है जिसको कि किससे रिप्लेस किया गया है, हाइड्रोजन मतलब कि सॉरी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है एसेंट ग्रीन फ्यूल से। अनलाइक द ट्रेडिशनल फ्यूल यूज इन सैटेलाइट्स विच इज हाइड्रोजन विच इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन एज वेल एज इन्वायरमेंट। तो आपको ये याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है उसको बदला जाएगा एसेंट ग्रीन फ्यूल से। तो इसका नाम एसेंट की फुल फॉर्म क्या है, डेट इज एडवांस स्पेस क्राफ्ट एनर्जेटिक नॉन टॉक्सिक प्रोपेलेंट। और ये हाइड्रोक्सिल अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल है, ऑक्सीडाइजर ब्लेंड है, और ये किसने डेवलप किया है, ये US एयर फोर्स ने डेवलप किया है। नेक्स्ट इज सोलर पावर सेल। देखिए लाइट सेल 2 जो है वो एक क्राउड फंडेड सोलर सेल प्रोजेक्ट है जो कि प्लेनेटरी सोसाइटी ने बनाया है, और ये जो है एक ऐसा फर्स्ट ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट बनने वाला है जो कि सनलाइट पे ही प्रोपेल होगा, मतलब कि इसे कोई भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं है स्पेसक्राफ्ट को, ये मेनली सनलाइट को यूज़ करेगा और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट व्हाट इज़ DNA टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। तो देखिए जैसे कि जैसे एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि स्पेस रिसर्च में कैसा हो रहा है, जो मेडिकल टर्म्स में भी साइंस रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं तो उसका भी
जो रिसर्च है वो हम इसमें साइंस टेक पोर्शन में ही इंक्लूड करेंगे। तो हाइलाइट्स ऑफ द बिल में क्या है कि एज पर द बिल नेशनल एंड रीजनल डीएनए डाटा बैंक्स विल बी सेट अप फॉर मेंटेनिंग अ नेशनल डाटाबेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम्स सस्पेक्ट्स इन केसेस अंडर ट्रायल्स मिसिंग पर्सन एंड अनआइडेंटिफाइड ह्यूमन रिमेन्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि नेशनल और रीजनल डाटा डीएनए बैंक्स बनेंगे जिनका काम क्या है, एक नेशनल डाटाबेस मेंटेन करना ताकि विक्टिम्स के आइडेंटिफिकेशन हो सके, उन सस्पेक्ट्स को केसेस में पकड़ा जा सके, अंडर ट्रायल्स हो सके, मिसिंग पर्सन को ढूंढा जा सके, और जो अगर अनआइडेंटिफाइड कोई ह्यूमन रिमेन मिल रहा है किसी मर्डर के बाद या किसी भी इंसिडेंट के बाद उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर पनिशमेंट की बात करते हैं कि जो इस बिल को या इस रेगुलेशन को ब्रेक करता है तो उनको 3 साल की सजा हो सकती है जिसमें फाइन 1,00,000 रुपये तक का होगा। देखिए एज पर द बिल ऑल डीएनए डाटा इंक्लूडिंग डीएनए प्रोफाइल्स डीएनए सैंपल्स एंड रिकॉर्ड्स विल ओनली बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। तो किसी और पर्पस के लिए नहीं होगा, जैसे कई बार क्या होता है कि जो पेरेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं कि ये देखने के लिए कि डीएनए बेबी का किस किस से मिलता है या फिर और कोई पर्सनल रीजन की वजह से डीएनए रिविलेशन चाहते हैं लोग, तो इस बिल में उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। और यहाँ पे जो है एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड भी बनेगा जो डीएनए लैब्स को और जो डीएनए सैंपल्स है उनमें इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट ब्रह्मोस। देखिए ब्रह्मोस जो है उसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि अभी दो दिन पहले ही हमारे रिपब्लिक डे जो परेड थी उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया था, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे। ब्रह्मोस जो है इट इज़ द एंटी शिप वर्जन ऑफ अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वॉज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर इन उड़ीसा। तो ये कहाँ से टेस्ट की गई थी, ये चांदीपुर उड़ीसा से टेस्ट की गई थी और ये क्या है, एक एंटी शिप वर्जन है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। द नेम ब्रह्मोस इज फॉर्म फ्रॉम नेम्स ऑफ टू रिवर्स, इंडियन रिवर ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कवा रिवर ऑफ रशिया। तो आपको इन दोनों रिवर्स के भी नाम याद रखने हैं कि रशिया के रिवर मोस्कवा से और ब्रह्मपुत्रा से इसको मिलाया गया है, क्योंकि ये देखिए बनाया भी किससे गया है, जो इसके मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO एंड रशिया NPO मशीनियो तो निया दैट इज NPO। तो ये रशिया का है और ये एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये अब तक की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज स्पाइस 2000। तो इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या है। स्पाइस 2000 इज गाइडेड बॉम्ब्स, इंडियन एयरफोर्स हैज़ साइन अ डील विद इजराइल रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इजराइल डिफेंस फार्म टू प्रोक्योर अ बैच ऑफ स्पाइस 2000 गाइडेड बॉम्ब्स। तो इंडिया और इजराइल के बीच में जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है उसमें स्पाइस 2000 गाइडेड बॉम्ब्स की डिस्पैचमेंट के लिए बात हुई है। और स्पाइस का मतलब क्या है, स्पाइस स्टैंड्स फॉर अ स्मार्ट प्रिसाइज इंपैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है। और देखिए जो टारगेट को लोकेट करने में एरर्स हुआ करते थे अब तक बॉम्ब्स में या फिर GPS जैमिंग हुआ करती थी उसके, और क्या होता था कि टारगेट पर ना जाके जो बॉम्ब होता था वो साइड में डैमेज कर दिया करता था जो कि कोलेट्रल डैमेज हुआ करती थी, उसको कम करेगा ताकि एरर्स कम हो और टारगेट पे जाके बॉम्ब अटैक कर सके। नेक्स्ट इज नासामस 2 दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसके बारे में देखते हैं कि क्या दे रखा है। कि आपको इसमें ये याद रखना है कि जो नासामस 2 जो है वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। दूसरा इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ था, नॉर्वे US में। सिर्फ इसमें ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा डाटा नहीं डाला है, तो बस आप इसको यही याद रखिएगा कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और कहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ था। नेक्स्ट इज इंडियाज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल डेट इज STDV। तो अगर यहाँ पे STDV के साथ DRDO लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि इसको डेवलप किसने किया है, DRDO ने किया है। और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है ये, जो कि एक मेडेन टेस्ट जिसने पास किया है और इंडिजीनियसली डेवलप है। ये मेनली क्या है, एक अनमैंड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट है जिसने अभी सारी अपनी डेमोन्स्ट्रेशन पूरी कर चुका है।
जो एसटीडीवी है वो एक ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि इसके ये जो है मल्टीपल सिविलियन एप्लीकेशंस को आगे अप्लाई करेगा. इट कैन बी यूज फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स एट लो कॉस्ट एंड कैन ऑल्सो बी अवेलेबल फॉर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फॉर फ्यूचर. नेक्स्ट इज वरुण शास्त्र. वरुण अस्त्र जो है इंडिया न्यू पावरफुल हैवी वेट टोरपेडो मिसाइल है और ये क्या है, एक सबमरीन के मतलब कि वाटर के अंदर काम करेगी. तो जो वरुण अस्त्र है टोरपेडोज है ये एक बेसिकली शिप लॉन्च्ड हुई है, इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड अंडर वाटर वेपन है, इक्विप्ड विद वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ऑटोमेटिक एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम. इट इज़ द ओनली टोरपेडो इन द वर्ल्ड टू हैव अ GPS बेस्ड लोकेटिंग एड. तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहली बात तो कि ये अंडर वाटर वेपन है और दूसरा क्या है, ये सिर्फ ऐसा टोरपेडो है वर्ल्ड का जिसमें कि जो GPS बेस्ड लोकेटिंग एड है. और ये डेवलप किसने किया, द वेपन हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप बाय नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब NTSL विशाखापट्टनम एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड BD डेट इज़ BDL हैदराबाद. नेक्स्ट इज डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी डेट इज़ DSRA. द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ क्लियर द सेटिंग अप ऑफ अ डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी. तो जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी की, उन्होंने डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी को सेटअप करने की परमिशन दे दी गई है जिसमें कि एंट्रस्ट किया जाएगा स्पेस वेलफेयर वेपन सिस्टम और टेक्नोलॉजी का काम. और इससे क्या होता है कि इट विल बी प्रोवाइडिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट टू डिफेंस स्पेस एजेंसी विच कंप्राइज मेंबर्स ऑफ 3 सर्विसेज. तो 3 सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं डिफेंस स्पेस एजेंसी के, उनको एक हेल्प मिलेगी रिसर्च वर्क में. DSA जो है उसको क्रिएट किया गया है टू हेल्प द कंट्री फाइट वॉर्स इन द स्पेस. स्पेस में लड़ाई लड़ने के लिए इसको डेवलप किया गया है. डिफेंस स्पेस एजेंसी इज बीइंग सेट अप इन बेंगलुरु. तो आपको ये लोकेशन याद रखनी है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट. देखिए न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट क्या है, ये एक इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है जो कि एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है, एम एट बिल्डिंग अ वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी. तो यहाँ पे क्या होगा कि एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाई जाएगी जहाँ पे न्यूट्रॉन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स काम होंगे. देखिए न्यूट्रॉन क्या होते हैं, दे आर द न्यूट्रल सब्सटेंसेस पार्टिकल्स और ये जो होते हैं द विद अ रॉक कवर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1200 meters. तो जो लैब बनाई जाएगी उसके ऊपर एटलीस्ट 1200 meters का एक रॉक कवर दिया जाएगा ताकि जो रिसर्च वर्क है वो अंदर हाई एनर्जी कंडीशन में अच्छी तरीके से हो सके. और जो इनिशियल गोल है INO का वो क्या है कि न्यूट्रॉन्स की पढ़ाई करनी. ये जो मेगा साइंस प्रोजेक्ट है ये किससे फंडेड होता है, जॉइंटली बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डेट इज़ DAE एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे सेटअप होगा, ये लैब कहाँ बनेगी, डेट इज़ इन थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. और यहाँ पे क्या होता है कि होगा एक आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर भी बनाया जाएगा जो कि डिटेक्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स से और जिससे स्टडी होगी आगे. सेटिंग अप ऑफ नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स एट मदुरई. तो यहाँ पे एक नेशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स भी मदुरई पे सेटअप किया जाएगा जो ऑपरेट करेगा और मेंटेन करेगा न्यूट्रॉन्स के फंक्शंस को. वट आर द न्यूट्रॉन्स, होता क्या है, इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई स्विस साइंटिस्ट डेट इज वोल्फगैंग पॉली इन 1930 आर द सेकेंड मोस्ट वाइडली अकरिंग पार्टिकल इन द यूनिवर्स ओनली सेकेंड टू फोटोन्स. तो जो फोटोन्स पार्टिकल होते हैं जो कि लाइट को बनाते हैं उनके बाद न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स के. और इनको डिस्कवर किसने किया था, प्रपोज किसने किया था, डेट इज वोल्फगैंग पॉली इन 1930. तो इसको आपको जो है ये नाम याद रखना है, आपके साइंस एंड टेक के स्टैटिक पोर्शन से भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है. नेक्स्ट इज पंच मिशन. नासा हैज सिलेक्टेड एंड US बेस्ड इंडियन रिसर्चर टू लेड इट्स पंच मिशन विच विल इमेज द सन. देखिए ये इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि एक इंडियन को सिलेक्ट किया गया है नासा के थ्रू अपने पंच मिशन के लिए. देखिए पंच जो है वो है क्या, दैट इज पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर. देखिए हमने जो अपनी कल वाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि सन के सरफेस होता है और एक सन का कोरोना होता है जो कि इनर पोर्शन होता है सन का. तो उसको जो स्टडी करना है कोरोना को और हेलियोस्फीयर को कंबाइन करके वो पंच मिशन में किया जाएगा. इट इज़ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सन्स आउटर कोरोना टू द सोलर विंग डैट फिल्स इंटर प्लेनेटरी स्पेस. तो यहाँ पे क्या होगा कि सन का जो आउटर कोरोना
से जो सोलर विंड है, मतलब कोरोना से जो सोलर विंड बाहर निकल रही है और प्लैनेट तक किसी स्पेस को फिल कर रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ये पार्टिकल्स का ट्रांजिशन हो कैसा रहा है। इट विल कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ 4 माइक्रो सैटेलाइट्स। जो पंच मिशन है उसमें टोटल 4 माइक्रो सैटेलाइट्स यूज़ की जाएंगी, और ये जो मिशन है ये कब लॉन्च होगा, डेट इज़ इन 2002। नेक्स्ट इज लॉन्च अबोर्ड टेस्ट। नासा रिसेंटली कैरिड आउट अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अ लॉन्च अबोर्ड सिस्टम फॉर द ओरियन कैप्सूल डिजाइन टू टेक US एस्ट्रोनॉट टू द मून। तो यहाँ नासा ने एक लॉन्च अबोर्ड सिस्टम डेवलप किया है जिससे कि जो US एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको मून पे ले जाया जा सके। इट इज़ डिजाइन टू एक्टिवेट इन द इवेंट ऑफ अ रॉकेट माल फंक्शन और द पैड इन फ्लाइट। तो अगर मान लीजिए कि कोई रॉकेट है वो जा रहा है ऊपर के मतलब स्पेस में जा रहा है और उसमें कोई माल फंक्शनिंग हो जाती है फ्लाइट के टाइम, तो जो लॉन्च अबोर्ड सिस्टम होगा वो उस टाइम वर्क करेगा। इसमें क्या होता है कि 3 तरीके के सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर्स लगे होते हैं जो कि सिंक्रोनी में एक दूसरे के साथ काम करते हैं और किसी भी गलत इंसिडेंट को होने से रोक देते हैं। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट है वो एक मेजर कॉम्पोनेंट है नासा के न्यूली नेम आर्टेमिस प्रोग्राम का। देखिए आर्टेमिस प्रोग्राम हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था जिसमें कि जो मैन है, ह्यूमन है, उसको मून पे भेजा गया था, विच एम्स टू रिटर्न US एस्ट्रोनॉट टू द लूनर सरफेस इन 2024। तो लूनर सरफेस पे जो US एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको दोबारा भेजा जा सके। नेक्स्ट इज नासाज ड्रैगन फ्लाई मिशन टू टाइटन। देखिए टाइटन जो है इट इज़ देखिए हमारा जैसे मून है वैसे ही जो टाइटन है वो भी एक प्लैनेट का मून है जिसके लिए एक ड्रैगन फ्लाई मिशन नासा ने लॉन्च किया। तो इसको देखते हैं कि इसमें है क्या। देखिए नासा जो है उसने जो सैटर्न का लार्जेस्ट मून है टाइटन उसके लिए एक अनमैन न्यूक्लियर पावर ड्रोन को लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई, और ये कब होगी 2026 में। जो ड्रैगन फ्लाई है उसका क्या काम है वहाँ पे ये देखना है कि जो माइक्रोबियल एलियन लाइफ के क्या कुछ साइन है सैटर्न्स मून के सैटर्न्स का जो मून है टाइटन का, तो ड्रैगन फ्लाई उसकी रिसर्च में जा रही है। द मिशन विल सक्सेड नासा कैसिनी प्रोब विच एंडेड इट्स 13 ईयर मिशन ऑर्बिटिंग सैटर्न इन सेप्टेम्बर 2017 बाई डाइविंग इन टू सैटर्न्स एटमोसफेयर। तो देखिए अभी तक क्या है कि कैसिनी एक प्रोब था नासा का जो कि 13 साल से सैटर्न के ऑर्बिट में घूम रहा था सैटर्न के एटमॉस्फेयर को जज करते हुए, उसके बाद ये जो ड्रैगन फ्लाई है इस मिशन को लॉन्च किया गया था लिया गया है। ड्रैगन फ्लाई मिशन इज़ अ पार्ट ऑफ नासा न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। तो आपको देखिए ये याद रखना है कि जो मिशंस बन रहे हैं वो नासा के कौन से प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम में ड्रैगन फ्लाई मिशन आया है विच इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन। और इसमें क्या होता है स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस की सीरीज को इंक्लूड किया गया है, और जो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम है उसमें प्लूटो प्रोब, न्यू होरिजन्स, जुपिटर प्रोब, जूनो और सिस रेक्स एस्ट्रॉइड मिशन को भी इंक्लूड किया गया है। तो आपसे नाम देकर पूछा जा सकता है कि विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम, तो आपको ये सारे नाम याद रखने। देखिए टाइटन को ही क्यों स्पेसिफिकली चूज किया गया है स्टडी के लिए, पहली बात तो कि जो टाइटन का इन्वॉल्वमेंट है वो जो वेरी अर्ली अर्थ थी उससे बहुत सिमिलर है, तो ये दिखा सकता है कि जो हमारा प्लेनेट है उस पर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी। दूसरी बात जो है जो टाइटन है वो कुछ प्लेनेट से भी बड़ा है, जैसे कि अगर हम मरकरी प्लेनेट को ही हमारे को देख लेते हैं तो टाइटन उससे भी बड़ा है साइज़ में, और ये सेकेंड लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम में अब तक, और इसका जो टेम्परेचर है वो भी बहुत कम है, डेट इज़ -290 डिग्री फ़ारेनहाइट -179 डिग्री सेल्सियस है जो कि, और इसका जो सरफेस प्रेशर है वो भी अर्थ के सरफेस प्रेशर से 50% हाई है, तो इस वजह से जो है टाइटन को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज़ हायबुसा 2। देखिए जापान ने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है हायबुसा 2 विच सक्सेसफुली मेड इट्स सेकेंड टच डाउन ऑन एस्ट्रॉयड रायगु। तो इसने जो है किसको टच किया है, मतलब ये किस पे रिसर्च कर रहा है, एस्ट्रॉयड रायगु पे कर रहा है, जो कि एक फर्स्ट ऐसा स्पेस प्रोब बना है हायबुसा 2 जिसने कि एस्ट्रॉयड के सरफेस से मटेरियल को गैदर किया है, मतलब कि इकट्ठा करके वापस लेके आया है।
हायबूसा जो फर्स्ट पार्ट था वो मिड सेप्टेम्बर 2005 में हुआ था, और ये कौन से एस्ट्रॉइड पे गया था, इटोकावा पे गया था, और वहाँ से भी इसने भी सैंपल्स को कलेक्ट किया था एस्ट्रॉइड मटेरियल के, और जून 2010 में अर्थ पे वापस आया था। तो ये जो था हायबूसा था वो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जो कि एस्ट्रॉइड सैंपल को अर्थ पे लेके आया था, इसलिए ही हायबूसा 2 जो सेकंड पार्ट है वो लॉन्च हुआ है। और इसको ऑपरेट कौन करता है, डेट इज़ जापानी स्पेस एजेंसी, डेट इज़ जैक्सा। देखिए ये है एस्ट्रॉइड जिसके सैंपल को कलेक्ट किया गया है और इसको वापस लाया जाएगा। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मिशन, तो ये जो रायगो अभी एस्ट्रॉइड हमने देखा, इट इज़ अ सी शेप एस्ट्रॉइड। देखिए आप इसमें एस्ट्रॉइड में देखेंगे ये कैसा है, दोनों साइड से आप इसको देखिए तो ये सी बना रहा है, तो इट इज अ सी शेप एस्ट्रॉइड कंटेनिंग बोथ ऑर्गेनिक मैटर एंड ट्रैप्ड वाटर माइट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग बोट टू अर्थ। तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर और ट्रैप्ड वाटर भी मिला है, देयर बाय प्रोवाइडिंग द प्लैनेट विद द मटेरियल्स नेसेसरी फॉर लाइफ टू ओरिजिनेट। तो यहाँ पे जो है ऐसी कंडीशंस देखी जा रही हैं कि जो नेसेसरी होती है लाइफ को ओरिजिनेट होने के लिए। नेक्स्ट इज ये हमारा बहुत ही एम्बिशियस मिशन था चंद्रयान 2, फेल हो गया बट कोई बात नहीं, दोबारा हम इसको करेंगे और सक्सेसफुल होंगे इसमें। तो चंद्रयान 2 मिशन जो है ये सेकंड मिशन है मून का इंडिया पे, इट एम्स टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोलर रीजन। देखिए क्या होता है कि अभी तक जो है मून के सरफेस पे तो कई बार जाया जा चुका है, पर जो है वो उस एरिया पे जाया जाता है जहाँ पे कि जो सन रेज है वो लंबे टाइम तक रहती है। उसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए एक तो वहाँ पे लाइटनिंग रहती है अगर सन रेज आ रही है तो, और दूसरा जो स्पेसक्राफ्ट जाते हैं वो क्या करते हैं कि वो सोलर जो वेव्स होती हैं उन्हीं को यूज़ करके एक एनर्जेटिक फॉर्म में मेंटेन रहते हैं। तो इंडिया ने ऐसा पहली बार सोचा था कि हम मून के साउथ पोलर रीजन में जाए जो कि एक शेडो एरिया है, मतलब जहाँ पे अंधेरा है और जिसको अब तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। द मिशन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इंडियाज प्लान फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन अ प्रोग्राम नोन एज अ प्लेनेटरी साइंस एंड एक्सप्लोरेशन प्लैनेक्स। तो प्लैनेक्स जो था वो एक प्रोग्राम था जिसके अंदर चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसमें तीन कॉम्पोनेंट थे मिशन के, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर। तो जो यहाँ पे लैंडर और जो रोवर है देखिए यहाँ पे जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान, और जो मिशन का लैंडर था उसका नाम है विक्रम। और ये किसके नाम के बाद दिया गया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई। देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, बार बार वो न्यूज़ में आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इनके बारे में हमें जानना चाहिए, और जो हमारी प्रीवियस वीडियो है हमने इनको अच्छी तरीके से कवर भी किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि द ऑर्बिटर विल बी डिप्लॉयड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द मून। द लैंडर विल देन सेपरेट फ्रॉम द ऑर्बिटर एंड एग्जीक्यूट अ सॉफ्ट लैंडिंग। तो क्या कि जो ऑर्बिटर है वो 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे हुआ था मून के सरफेस पे डिप्लॉयड, वहाँ से क्या होगा कि ऑर्बिटर से जो है लैंडर अलग हो जाता और एक सॉफ्ट लैंडिंग करता मून के सरफेस पे, और वहाँ जाके जो रोवर था, जो रोवर क्या होता है एक तरीके का मशीन थी जो कि क्या करता मून के सरफेस पे चलता और सारी रिसर्च करता, बट ऐसा नहीं हो पाया, जो हमारे जो प्रज्ञान था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, हार्श लैंडिंग हुई जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया। नेक्स्ट इज 30 मीटर टेलीस्कोप, ये देखिए सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया है तो जिसका नाम है 30 मीटर टेलीस्कोप, और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है साइज़ में, और टेलीस्कोप्स को जहाँ हम देख रहे थे तो उनके साइज़ इतने थे कि बस वो ऑर्बिट में जाके एस्टेब्लिश हो गए थे। तो दिस इज़ द 30 मीटर टेलीस्कोप, लार्जेस्ट टेलीस्कोप। इट इज़ अ प्रपोज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विद एन एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप। इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बींग फंडेड बाई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैनेडा, चाइना, इंडिया, जापान एंड USA। देखिए जो इसकी प्लान्ड लोकेशन है कि इसको कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा वो है म्यूना किया इन द आइलैंड ऑफ हवाई इन द US स्टेट ऑफ हवाई में इसको किया जाएगा। देखिए इंडिया की भी फंडिंग है इसमें, तो इस वजह से भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कितना बड़ा टेलीस्कोप इंडिया की फंडिंग से बना है। तो जो TMT डिज़ाइन किया गया है वो नियर अल्ट्रावायलेट या फिर मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस जो हैं वेवलेंथ की उसमें करेगा।
और जो टीएमटी है विल अनेबल साइंटिस्ट टू स्टडी फेंटर ऑब्जेक्ट्स फार अवे फ्रॉम अस, तो हमारे से जो दूर बहुत फेंटर ऑब्जेक्ट्स है मतलब जो कि हमें इतना नहीं दिखाई देते हैं, तो ये उनकी भी डिस्कवरी करेगा, उन पे रिसर्च करेगा। नेक्स्ट इज रशिया लॉन्चेस स्पेक्टर आरजी। देखिए स्पेक्ट्रम रोंटेंगन गामा मिशन ऑल्सो नोन एज स्पेक्टर आरजी इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस एंड जर्मन स्पेस एजेंसी डेट इज डीएलआर। तो आपको याद रखना है कि ये किसके कोऑर्डिनेशन से बन रहा है स्पेक्टर रोंटेंगन गामा मिशन, इसकी पोजिशन क्या है। देखिए स्पेक्ट्रा आरजी विल बी प्लेस्ड इन अ स्टेबल ऑर्बिट इन स्पेस कॉल्ड लैग्रेंज पॉइंट स्पेसिफिकली L2। तो इसको लैग्रेंज पॉइंट पे रखा जाएगा, स्पेसिफिकली किस पॉइंट में, L2 में, वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ टू लार्ज ऑब्जेक्ट इन द केस सन एंड अर्थ बैलेंस आउट ईच अदर। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, बट जो लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो एक दूसरे से बैलेंस हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और कोई भी बॉडी अगर वहाँ पे रखी जा रही है तो वो अपना रिसर्च वर्क जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकती है। अ की गोल ऑफ स्पेक्ट्रा आरजी विल बी टू इन्वेस्टिगेट द मिस्टीरियस कॉस्मिक कंपोनेंट रेफर टू एज डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो ये किसको इन्वेस्टिगेट करेगा, डार्क मैटर और जो डार्क एनर्जी है स्पेस में उसको। नेक्स्ट इज नाविक। नाविक द इंडियन GPS। देखिए नाविक क्या होता है, जो नाव चलाता है तो उसको रास्ता पता होता है, उसको पता है कि किस साइड से जाना है वोटर के नाव को लेके कि जो सेफ होगा। वैसे ही जो नाविक है वो इंडिया का नया GPS बनाया गया है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। नाविक इज अ नेविगेशन विद इंडियन कोस्टिलेशन इज एन इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डिजाइन टू प्रोवाइड पोजिशन इंफॉर्मेशन इन द इंडियन रीजन एंड 1500 किलोमीटर अराउंड द इंडियन मेनलैंड। तो देखिए इंडिया के अंदर और जो इंडिया के अराउंड 1500 किलोमीटर का एरिया है उसमें जो नाविक होगा वो नेविगेशन प्रोवाइड करेगा, और ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। देखिए इसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होगी, टेरेस्ट्रियल एरियल एंड मैराइन नेविगेशन प्रोवाइड करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट में, जो मोबाइल फोन्स हैं उनसे इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा विद प्रिसाइज टाइमिंग, मैपिंग एंड जियोडेटिक डाटा कैप्चर, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड्स फॉर हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स। तो ये सारे एप्लीकेशंस जो है वो नाविक प्रोवाइड करेगा, और ये जो सर्विस ये प्रोवाइड कैसे हो रही है, IRNS वुड प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज, नेमली स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल यूजर्स एंड रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ऑथोराइज यूजर। तो यहाँ पे पोजिशन सर्विस जो है वो सभी यूजर्स को मिलेगी, और जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज प्रोवाइडर है ऑथोराइज यूजर्स के उनको भी। नेक्स्ट इज नासा कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट टियांगोंग 2, दैट इज अ स्पेस स्टेशन लॉन्च बाय चाइना, और ये चाइना का प्लान है जिसमें कि वो एक मैन स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं अराउंड 2022। जो ट्यांग 2 है वो एक टेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए बनाएगा, जो कि मेडिकल और स्पेस एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट हाइपरबोला 1। देखिए जो आई स्पेस एक चाइनीज स्टार्टअप है जिसने अपना एक कमर्शियल रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है चाइनीज हाइपरबोला 1 इनटू द अर्थ ऑर्बिट। देखिए ये जो हाइपरबोला 1 है ये एक सैटेलाइट लेके जा रहा है स्पेस में जिसका नाम है CAS-75 क्यूब सेट, जो कि एक माइक्रो सैटेलाइट है। इट इज़ एन एमेच्योर रेडियो मिशन विच इज डेवलप्ड बाय द बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाइपरबोला 1 इज ऑल्सो कैरिंग अ सैटेलाइट ऑफ एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस इंजीनियरिंग डेवलपमेंट को लिमिटेड। तो इतना कुछ आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि जो हाइपरबोला 1 है वो एक माइक्रो सैटेलाइट कौन सी लेके जा रहा है, और दूसरा कि ये किसने डेवलप किया है, तो ये चाइनीज स्टार्टअप ने डेवलप किया है। नेक्स्ट इज ग्रीन टैक्स ऑन प्लेन टिकट्स। देखिए जो फ्रांस वो एक ऐसी कंट्री बनी है जिसने 2020 से जो प्लेन टिकट्स है उनके ऊपर ग्रीन टैक्स इम्पोज करना शुरू कर दिया है, जो कि एक नया मेजर है जो 182 मिलियंस का एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आएगा। और इससे क्या होगा कि जो प्लेन्स है मतलब जो एयरक्राफ्ट रिलेटेड
चीज़ें हैं उसमें क्या कहा जा रहा है कि ग्रीन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाइए वरना आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और इसमें मेनली रेल्स को भी यूज़ किया गया है और इसमें आउटगोइंग फ्लाइट्स जो है मतलब जो फ्रांस से फ्लाइट्स जाएंगी उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। अगर कंट्री के अंदर कोई फ्लाइट आ रही है तो उसके ऊपर ये टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज समुद्रयान। देखिए इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जो है उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है समुद्रयान, जो कि ओशियन के अंदर जाके रेयर मिनरल्स जो है उनकी माइनिंग करेगा। तो समुद्रयान के बारे में देखते हैं कि इसमें मेनली एक्सप्लोरेशन किसकी होगी, तो एम में एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ऑल्सो नोन एज मैगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम ओशियन। तो देखिए ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है ये हमने कल वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी डिस्कस किया था और दोबारा एक और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो ये आपके इंपॉर्टेंट होता है। समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस फॉर डीप ओशन माइनिंग फॉर रेयर मिनरल्स। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कब रियलिटी में बन सकता है, दैट इज इन 2021 और 2022। और ये कौन अंडरटेक करेगा इस प्रोजेक्ट को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी डेट इज NIOT। देखिए अगर समुद्रयान जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया जो है ऐसे डेवलप्ड नेशंस की एक लिस्ट को ज्वाइन कर लेगी जो कि ओशन में मिनरल्स को एक्सप्लोर करते हैं, और इंडिया फिर एक ऐसी अकेली डेवलपिंग कंट्री बन जाएगी जो इस तरीके का प्रोजेक्ट अंडरटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेड ऑन जनरेशन HOG टेक्नोलॉजी। देखिए जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो जितनी भी कोचेस हैं ट्रेन के उनको वो कर रही है, अपग्रेड कर रही है विद द हेड ऑन जनरेशन HOG टेक्नोलॉजी। देखिए HOG टेक्नोलॉजी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये जो ऊपर सिग्नल है ट्रेन का और ऊपर जो इलेक्ट्रिकल वायर्स जा रही है, अब जो ट्रेन्स के कोचेस के अंदर जो AC फैसिलिटी होती है जो लाइटनिंग होती है वो सारी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो ऊपर वायर्स से जनरेट होगी, कहीं और से जो पहले टेक्निक यूज़ की जाती थी EOG वो अब यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंस देखते हैं, बट पहले देखते हैं कि व्हाट इज हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। द सिस्टम रन्स द ट्रेन्स होटल लोड, द लोड ऑफ एयर कंडीशनिंग लाइट फैंस एंड पेंट्री बाय ड्रॉइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन्स थ्रू आउट द पेंटोग्राफ। तो जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स ट्रेन के जस्ट ऊपर होती है अब उनसे इलेक्ट्रिसिटी ली जाएगी, जिसमें कि क्या होता था कि जो एंड टेक्नोलॉजी है उससे ये अलग क्यों है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो होटल का लोड जो होता था एंड ऑन जनरेशन सिस्टम में वो जस्ट ट्रेन से एसोसिएटेड हुआ करता था, बट अब जो है वो साथ के साथ लिया जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ HOG ओवर EOG, सिंस द HOG फिटेड ट्रेन्स डू नॉट रिक्वायर पावर फ्रॉम डीजल जनरेटर्स, क्योंकि EOG है उसमें डीजल जनरेटर्स को यूज़ किया जाता था जो कि एक सोर्स था पोल्यूशन का भी, तो और हमें क्या करना है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है उसकी भी कंजप्शन कट करनी है, इस वजह से हमने EOG से डेट इज एंड ऑन जनरेशन से लेके HOG टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया है। सिर्फ एक इमरजेंसी जनरेटर जो है वो अटैच रहेगा ट्रेन से कि अगर बाय चांस HOG फेल हो जाता हो तो वहां पे EOG का यूज किया जा सके। नेक्स्ट इज हाई टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन HTPM टेक्नोलॉजी। देखिए इंडिया जो है उसने एक ऐसा खुद का हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम डेवलप किया है और इंट्रोड्यूस किया है जो कि ग्रीन मैनर में पावर जनरेट करेगा। और कैसा सिस्टम है ये, 5kW फ्यूल सिस्टम है जो ग्रीन मैनर में पावर आपकी जनरेट कर रहा है। ये डेवलप किसने किया, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप हुआ है बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन पार्टनरशिप विद द इंडियन इंडस्ट्रीज। ये जो है इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है न्यू मिलीनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, उसके अंडर बनाया गया है। इट टेक्स मिथेनॉल और बायोमिथेन एज द इनपुट एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। तो आपको इसमें याद रखना है कि ये जो फ्यूल सेल सिस्टम है इसमें यूज किसका हो रहा है, मिथेनॉल का या बायोमिथेन का, और इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या है मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, हीट एंड वाटर। देखिए एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो जो स्टेशनरी पावर एप्लीकेशन सिस्टम है, स्मॉल ऑफिसेज है, कमर्शियल यूनिट्स हैं, डाटा सेंटर्स हैं, वहाँ पर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं एयर कंडीशनिंग के लिए।
What is a new millennium Indian technology leader initiative जिसके अंडर ये बनाया गया? It is a largest public private partnership effort within the R&D domain in the country. और ये जो है innovation catalyze करते हैं central scientific and technological development में, जिससे क्या होगी कि जो Indian industries है उनको एक global leadership position मिल सके selected areas में. नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट. देखिए जो एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट है वो एक जॉइंट रिसर्च मिशन है नासा के बीच में और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA टीम के बीच में. इट एम टू स्टडी द वायबिलिटी ऑफ डाइवर्टिंग एन एस्ट्रॉइड बाय क्रैशिंग अ स्पेसक्राफ्ट इनटू इट्स सरफेस. तो इस एम का मिशन क्या है कि अगर किसी स्पेसक्राफ्ट से किसी एस्ट्रॉइड को क्रैश कराया जाता है और उसकी जो उसको डाइवर्ट कराया जाता है तो ये कितना वायबल है कि मतलब ऐसा हो सकता है क्या ये हार्मफुल है या नहीं है. द प्रोजेक्ट एम टू डिफ्लेक्ट द ऑर्बिट ऑफ वन ऑफ द टू डिडिमोस एस्ट्रॉइड बिटवीन अर्थ एंड मार्स. और इसमें जो है दो एस्ट्रॉइड्स को देखिए ये डिडिमोस ए दिखा रखा है ये डिडिमोस बी दिखा रखा है. तो इन दो एस्ट्रॉइड्स को चूज किया गया है अर्थ और मार्स के बीच में और इनके ऊपर जो है ये इम्पैक्ट देखा जाएगा स्पेस क्राफ्ट से इसको कोलाइड करा के. तो ये स्पेस क्राफ्ट है इसको कोलाइड कर रहा है और फिर देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है. नेक्स्ट इज ल्यूनर रिकन्सिनेंस ऑर्बिटर. इसरो इज अटेम्प्टिंग टू फिगर आउट व्हाट हैपन टू द चंद्रयान टू विक्रम विद द हेल्प ऑफ नासा ल्यूनर रिकन्सिनेंस ऑर्बिटर. तो देखिए जो विक्रम ऑर्बिटर जो था वो फेल हुआ जब चंद्रयान टू मिशन में. तो अब जो है इसरो है वो देखना चाहता है कि आखिर उसकी अभी सिचुएशन क्या है. तो उसके लिए जो है नासा का ल्यूनर रिकन्सिनेंस ऑर्बिटर को यूज़ किया गया है. ये क्या है एक मिशन है मून का रोबोटिक प्रोग्राम जिसमें कि क्या होगा कि जो मैन मिशंस मून के लिए और मार्स के लिए बनाए गए हैं उसमें रोबोट्स को भी भेज के ये देखा जा सकता है प्रिपरेशन देखी जा सकती है कि अभी सिचुएशन किस तरीके की है. जो LRO है जो ऐसा एक फर्स्ट मिशन है नासा का जो न्यू विजन फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंडर आ रहा है. जो LRO है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ल्यूनर रिसोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करना कि वो किस तरीके के हैं. दूसरा जो ल्यूनर सरफेस है उसका एक डिटेल मैप गैदर करना और जो पोलर रीजन है मून के उनको स्टडी करना. नेक्स्ट इज आदित्य L1 दैट इज इसरो मिशन टू सन. देखिए आदित्य L1 मिशन जो है ये इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है मतलब सन के लिए मिशन है और ये सन की आउटर मोस्ट लेयर को स्टडी करेगा जो कोरोना है उसको करेगा और क्रोमोस्फेयर्स को स्टडी करेगा. और जितना भी डाटा है कि जो कोरोना है उससे मास इजेक्शन जो हो रहा है इतना पार्टिकल्स का चार्ज पार्टिकल्स का वो कैसे हो रहा है जिससे कि जो स्पेस की वेदर प्रिडिक्शंस है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आदित्य L1 मिशन से. नेक्स्ट इज मिथेन पावर रॉकेट इंजन. देखिए इसरो जो है उसने LOX मिथेन इंजन्स डेवलप किए हैं जो कि क्या यूज करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर एंड मिथेन फ्यूल इंजन्स के अंदर. देखिए मिथेन जो है वो दोबारा न्यूज़ में आई है तो आपको इस गैस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. तो जो अभी तक क्या था हाइड्रोजन जो थे वो यूज़ हो रहे थे और हमने ये देखा कि जो हाइड्रोजन था वो हाईली टॉक्सिक था और कैंसर कोजिंग था. तो अब जो मिथेन है उसको यूज़ किया जाएगा विच कैन सिंथेसाइज विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन स्पेस और ये जो होगा स्पेस फ्यूल होगा फ्यूचर का. तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है कि विच इज़ द स्पेस फ्यूल फॉर द फ्यूचर. तो आपको याद रखना है मिथेन. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नेत्र. देखिए नेत्र क्या होते हैं हमारी आईज हमारी आँख. तो आँखें जो होती है उससे हम किसी चीज़ पे नज़र रख पाते हैं. तो जो प्रोजेक्ट नेत्र इसरो ने लॉन्च किया है वो किसके लिए किया गया है स्पेस डेब्रिस के लिए किया है. देखिए इसरो जो है उसने प्रोजेक्ट नेत्र का क्या किया है कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है स्पेस के अंदर ताकि जो डेब्रिस है और जो हैजार्ड्स हो सकते हैं इंडियन सैटेलाइट्स को उनके ऊपर नेत्र रखे जाए मतलब नज़रें टिकाई जा सके और एक अवेयरनेस सिचुएशन क्रिएट की जा सके. अंडर द प्रोजेक्ट द इसरो प्लान्स टू पुट अप मेनी ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज कनेक्टेड रडार्स टेलीस्कोप्स डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड कंट्रोल सेंटर्स. द नेत्रस इवेंचुअली गोल इज टू कैप्चर द GEO क्या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सीन एट 36,000 किलोमीटर वेयर कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑपरेट. देखिए मैंने जो अपनी
फर्स्ट जैन से 15 जैन की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाई थी 15 डेज की, तो उसमें मैंने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है और जो PSLV है उसके बीच में डिफरेंस बताया था, तो आप उसको वहाँ से अच्छे से पढ़ेगा क्योंकि ये डिफरेंस बहुत फ्रिक्वेंटली दे रखा है करंट अफेयर में और पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट इज नेशनल जीनोमिक ग्रिड, डेट इज़ NGG। देखिए NGG क्या है, इट विल स्टडी जीनोमिक डाटा ऑफ कैंसर पेशेंट फ्रॉम इंडिया। देखिए जिन पेशेंट्स को कैंसर है उनके जीनोमिक डाटा को स्टडी किया जाएगा कि क्या जीन्स के अंदर ऐसे चेंजेस आए जो कैंसर पेशेंट्स में जीन्स के अंदर क्या चेंजेस ऐसे आए जिसकी वजह से पेशेंट्स को कैंसर हुआ है। तो इट विल कलेक्ट सैंपल फ्रॉम कैंसर पेशेंट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पैन इंडिया कलेक्शन सेंटर बाय ब्रिंगिंग ऑल कैंसर ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूशन ऑन बोर्ड। तो एक साथ एक बोर्ड पर सारे कैंसर इंस्टीट्यूशन को लाया जाएगा और सैंपल्स क्रिएट यहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे। देखिए ये जो बनाया गया है NGG ये किसके सिमिलर है, सिमिलर टू नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक NCTB जो कि मद्रास में सिचुएटेड है। तो हम इसके बारे में देखते हैं NCTB के बारे में, डेट इज़ नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट का एंड IIT मद्रास का। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट कैंसर से डायग्नोस्ड होते हैं उनसे उनकी परमिशन से उनके कैंसर टिश्यू का सैंपल लिया जाता है और फिर उसको संभाल के रखा जाता है और उसके ऊपर रिसर्च होती है। नेक्स्ट इज ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब। देखिए क्या हो रहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या हो रही है कि जो माइक्रोब्स हमें अटैक करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, पर क्या हो रहा है कि जो अब वो माइक्रोब्स डेवलप हो रहे हैं वो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मतलब कि उन एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं माइक्रोब्स के ऊपर उनका असर नहीं हो रहा, वो रेजिस्टेंट बनते जा रहे हैं अगर हम एंटीबायोटिक्स का कंजप्शन ज़्यादा कर देते हैं। तो इस वजह से ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाया गया है ताकि इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो इंडिया जो है उसने ज्वाइन करा है इस और हब को और इसका न्यू मेंबर बना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए फॉर मेडिकल टर्म्स। ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब था वो May 2018 में लॉन्च हुआ था और कहाँ पे हुआ था, 71st सेशन जो हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, जो इसमें क्या हुआ था कि 2017 में G20 के लीडर्स से उन्होंने कहा था कि भाई ऐसी कोई हब होनी चाहिए जहाँ पर हम मेडिकल टर्म्स में हर चीज़ को सोल्व कर सके, तब ये 2018 में हुआ था। और इसमें 16 कंट्रीज मेंबर है, यूरोपियन कमीशन है, 2 फिलेंट्रोफिक फाउंडेशंस है और 2-4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ये सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस इनको मिला हुआ है, ये सिर्फ वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं मीटिंग को, इनका वहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन एज सच नहीं है। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि ये जो ग्लोबल प्रायोरिटी सेटअप करेगा कि रिसोर्सेज जो है एंटी माइक्रोबियल के अगेंस्ट जो है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन सबको ख़त्म करना है, और जो सेक्रेटरीट है इसका वो कहाँ पे है, बर्लिन में। नेक्स्ट इज मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, डेट इज MATAGM मिसाइल। क्या इसकी फुल फॉर्म है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये क्या है, इंडिया की थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि DRDO ने डेवलप की है। ये जो है इनकॉर्पोरेट हुई है इन द इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर अलोंग विद एडवांस एविनोइक्स। तो इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर्स के साथ इनको लाया गया है, और इसके साथ जो है और कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इंडिया के अंदर, तो वो है DRDO एंटी टैंक मिसाइल, सेकेंड है अमोगा मिसाइल, थर्ड है नाग मिसाइल एंड फोर्थ ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डेट इज MATAGM। नेक्स्ट इज रुस्तम टू जो है वो एक ड्रोन है जो कि मीडियम एल्टीट्यूड पे वर्क करता है लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए, और ये जो है ये अनमैन एरियल व्हीकल है जो कि DRDO ने डेवलप किया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ड्रोन का वो है कि सर्विलियंस जो है आर्म फोर्सेस के लिए वो करना 24 आवर्स के लिए, और ये जो डेवलप किया गया है ड्रोन ये तीनों जो आर्म फोर्सेस है उनके लिए किया गया है। नेक्स्ट इज अस्त्र मिसाइल, इट इज़ एन इंडिजीनियसली डेवलप बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो ये क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर है, इंडिजीनियसली डेवलप है, मतलब इंडिया के अंदर ही डेवलप की गई है, और ये जो है ऑल वेदर स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल है, DRDO से डेवलप की गई है,
ये आपको याद रखना है, स्पीड्स आपको याद नहीं रखनी है। तो ये सारी जो DRDO की मिसाइल्स इतनी सारी लॉन्च हो रही है, तो आपको ये सारे अपने नाम याद रखने हैं। तो यहीं पे हमारा जो पार्ट ए है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का, वो फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।